वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे ईवीएस में हमारा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है नेशंस प्राइड, पेज नंबर 88। नेशंस प्राइड यानी कि हमारे देश का गौरव। तो देश का गौरव कैसे लोग होते हैं? ऐसे लोग जैसे कि आर्मी वाले होते हैं, सैनिक होते हैं हमारे, जो देश के लिए अपनी जान देकर भी हमारी रक्षा करेंगे, तो उसको मार्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ एक छोटे बच्चे की स्टोरी है, आपके जैसा ब्रेव है वो, और उसकी स्टोरी के बारे में लर्न करना है और हमारे नेशंस के प्राइड यानी कि कुछ मार्टर्स के बारे में लर्न करना है और बहुत सारा हमें लिखना भी है। तो चैप्टर शुरू करते हैं रीड के पोर्शन से। वात्सा एंड आयुषी वेर वॉचिंग टीवी, जस्टिन केटू एंड हनी कैम बैक फ्रॉम द टेम्पल विथ ग्रैंडमा। अभी वात्सा और आयुषी जब टीवी देख रहे थे तब केतुल और हनी अपनी ग्रैंडमा के साथ मंदिर गए थे तो वो वापस आ रहे थे। ग्रैंडमा आस्क वत्स एंड आयुषी, व्हाट आर यू वाचिंग इन टीवी, डू यू नो अबाउट हिम। उसकी दादी माँ जो होती है वत्सा और आयुषी को पूछती है कि आप क्या देख रहे हो, आपको पता है, आपको ये भी पता है कि आप टीवी में क्या देख रहे हो। लाइक टीवी में जिस किसी के बारे में वो देख रहे होंगे तो उसकी दादी माँ पूछ रही कि आप इस पर्सन के बारे में जानते हो। वत्स सेज यस दिस इज अ फियरलेस आजाद, यस ये जो एक लड़का है वो निडर आजाद नाम का लड़का है। ग्रैंडमा सेज फियरलेस आजाद्स नेम वाज चंद्रशेखर, यानी कि ये जो बहादुर लड़का है उसका नाम है चंद्रशेखर। सिंस चाइल्डहुड ही वाज ब्रेव, वो अपने बचपन से ही बहुत ही बहादुर था। ही सैक्रिफाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। केतुल एंड हनी यू ऑल्सो वॉच दिस फिल्म, आफ्टर वर्ड आई शैल टेल यू द स्टोरी ऑफ वन सच फियरलेस चाइल्ड, यानी कि दादी माँ जो होती है वत्स और आयुषी को ये समझाती है वह चंद्रशेखर आजाद के बारे में। इसके बाद केतुल और हनी को भी कहती है कि तुम लोग भी ये स्टोरी, ये फिल्म जो है वो देखो, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो हम भी सुनते हैं दादी माँ क्या स्टोरी बता रही है, लेकिन स्टोरी का पहले हमें पिक्चर देखना है जो कि हमें एग्जैक्ट रीड के पोर्शन के नीचे दिया है पेज नंबर 88 पे। ग्रैंडमा सेज सी दिस पिक्चर एंड लिसन, यानी कि इस पिक्चर को देखो और इसको समझो और मेरी बात सुनो। यहाँ पे एक लड़का है वो देख रहा है कि यहाँ पर ट्रेन की पटरियाँ टूटी हुई है, अगर ऐसी पटरियों पर ट्रेन चलेगी तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। और हम सबको पता है कि ट्रेन को रोकने के लिए रेड कलर के फ्लैग का यूज होता है, तो इस लड़के ने रेड कलर का शर्ट भी पहना हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली वो रेड कलर का शर्ट पहनने की वजह से वो क्या करता है, ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। ये अपनी शर्ट निकाल के ये जो ट्रेन के जो पायलट्स होते हैं उनको दिखाएगा, तो ट्रेन के पायलट्स क्या करेंगे, अपनी ट्रेन रोक देंगे और इस तरीके से ये जो बहुत सारे लोगों की जान है वो बच जाएगी। तो इसमें इस लड़के का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी हमें नजर में आता है, इसकी इंटेलिजेंस, इसकी ब्रेवनेस, वरना बीच पटरियों में से खड़े रहना कोई भी लड़का डर जाएगा, लेकिन इस बच्चे ने ऐसा नहीं किया। और चंद्रशेखर आजाद जो है उसके बारे उसको उसका नाम ना आजाद उसके पहला नहीं था, उसका नाम आजाद क्यों पड़ा, क्योंकि जब हमारे देश में ब्रिटिशरों का शासन था ना तब चंद्रशेखर आजाद को एक बार कोर्ट में ले गए थे, तो उसको पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने क्या बताया, पता है कि मेरा नाम आजाद है, मेरे फादर का नाम फ्रीडम है और मेरा रेसिडेंस जो है वो प्रिजन है, यानी कि मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता है, मेरा नाम आजाद है और हम रहते कहाँ पे है, तो कि भाई जेल में, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए हमारे भारतीय ब्रेव जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं, क्रांतिकारी होते थे, उनको जेल में बंद किया जाता था, इसलिए उन्होंने कोर्ट में ऐसा जवाब दिया था। और इनके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि अंग्रेजों ने उनको जब गिरफ्तार किया था तब वो इतने छोटे थे तो उनके हाथ की हथकड़ियां भी नहीं थी अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों मतलब ब्रिटिशर जो इंग्लैंड से आए हुए थे हमारी कंट्री के को गुलाम बना के उन्होंने शासन किया था, तो मतलब छोटे से थे उस तब से उनके अंदर अपनी कंट्री के लिए बहुत सारा प्यार है और बहुत सारा प्राइड है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं कि आजाद को जो है स्टेशन मास्टर उसके साथ बात कर रहे होते हैं, आजाद के साथ हैप्पीली उसको मतलब शाबाशी देते हैं और किसी एक दिन कोई फंक्शन होगा उस समय आजाद को अवार्ड भी दिया जाता है। तो नीचे हमें ऑब्जर्वेशन सिर्फ अभी लर्न ही करना है कि व्हाट डू यू सी इन दिस फर्स्ट पिक्चर, हमने फर्स्ट पिक्चर में क्या देखा,
वो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि फर्स्ट पिक्चर में ट्रेन की पटरियां है वो टूटी हुई है और एक लड़का उसको देख रहा है. व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग इन द सेकंड पिक्चर? सेकंड पिक्चर में लड़का जो है पटरियों के ऊपर खड़ा रहेगा, अपने रेड कलर की शर्ट निकाल के ट्रेन को रोकने की कोशिश करेगा. व्हाई हैज द ट्रेन स्टूड स्टिल इन द सेकंड पिक्चर? ट्रेन जो है वो क्यों खड़ी रहेगी वहां पे? क्योंकि रेलवे लाइन में हमें पता है कि ग्रीन झंडी मतलब ट्रेन को आगे लेके जाना और रेड झंडी मतलब जो है ट्रेन है वहां पे जो ट्रेन के ट्रैक्स है उसमें कुछ मिस्टेक्स की वजह से आगे कुछ प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन को खड़ा करना. व्हाई इज गार्ड कॉन्ग्रेचुलेशन दिस चाइल्ड? द गार्ड कॉन्ग्रेचुलेशन दिस चाइल्ड बिकॉज ये जो चाइल्ड है उन्होंने बहुत की मदद की है दूसरे लोगों की जान बचाने में, क्योंकि अगर ये पटरी के ऊपर ट्रेन चल जाती बहुत सारे लोग मर जाते. और इस लड़के ने क्या किया, इतनी बहादुरी दिखा के निडर होके लोगों की रक्षा की. व्हाट वुड यू डू इफ यू वेर इन द इन प्लेस ऑफ देयर चाइल्ड? अगर आप इस लड़के की जगह पे होते तो क्या करते? तो अरे भाई हमारे बच्चे भी बहुत ही ब्रेव और होशियार है, ये भी लोगों को बचाने की कोशिश करते है ना. ठीक है, तो आज हमें इतना ही लर्न करना है. तो आपको ये चैप्टर सिर्फ रीड करना है और समझना है. और ऐसे हमारे दूसरे मार्टर्स हैं, दूसरे शहीद हैं, दूसरे ब्रेव इंसान हैं, उन लोगों की स्टोरियों के बारे में आपको पढ़ना है और आपको भी उनके जैसा ब्रेव बनना है. ओके, वंदे मातरम.